Now, Dr. Kirit Solanki. For you also applicable, Prime Minister, please. धन्यवाद, धन्यवाद सभापति जी. आपने आज मुझे एक ऐसे बजट पे बोलने का मौका दिया है कि ये बजट एक विजनरी बजट है. ये 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी उसके पहला बजट है. और यूं तो मैं इस सदन में दूसरी बार आया हूं. इस सदन में मैंने पहले भी बजट में पार्टिसिपेट किया है, मगर इस बजट की जो खासियत है, मैं समझता हूं कि इस देश की जो इकोनॉमी, जो अर्थतंत्र पटरी से उतर गया था, उन पर पटरी के लाने के लिए एक विजनरी बजट बनाया गया है. मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब को और हमारे वित्त मंत्री श्री अरुण जी जेटली साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. मित्रों, पॉलिटिकल सिचुएशन पिछले कई सालों से ऐसी थी कि लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम पर से एक विश्वास डगमगाया गया था, क्योंकि भारत एक संघीय ढांचा है, भारत इज अ फेडरल स्ट्रक्चर, और यहाँ एक राज्य में एक मॉडल प्रस्थापित करके एक राज्य को गुड गवर्नेंस देके, एक राज्य को विकास के पटरी पे लाके पूरे देश की 125 करोड़ की जनता में जिन्होंने एक भाव एक 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 अहम भाव जगाया, और जब पूरा देश बौखला गया था, तब उन्होंने श्री नरेंद्र भाई मोदी के प्रति एक एक श्रद्धा का किरण दिखाया गया. मैं श्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने एक देश में एक पॉलिटिकल सिस्टम को रिकॉग्निशन दिया है. जब पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति पूरे देश की जनता में एक अभाव पैदा हुआ था, तब एक भावना का संचार किया है. और इस बार जो ये पहला बजट दिया गया है, ये बजट में से ये पूरा आपको पता चलता है कि इस देश की जो दशा और दिशा बिगड़ गई थी, उनको सही रास्ते में ले जाने वाला ये बजट है. ये बजट का मैं स्वागत करता हूँ. मित्रों, जब हमारे एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने भी जो अर्थतंत्र को सही दिशा पे ले गए थे, अर्थतंत्र को भी पटरी पे ले गए थे. उसके बाद यूपीए का सरकार दो बार आया और अर्थतंत्र पटरी पर से नीचे निकल गया. अभी हमारा दायित्व है, लोगों ने हमको भरोसा हमारे पे भरोसा किया है, भारतीय जनता पक्ष और एनडीए पे भरोसा किया है. ऐसे वक्त में जो जीडीपी को 8% पे ले जाने वाला ये बजट का मैं स्वागत करता हूँ. हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ और सबका विकास का एक मंत्र दिया था, और इस मंत्र की वजह से देश के सभी लोगों को साथ रख के चाहे वो कोई भी ज्ञाति के हो, चाहे वो कोई भी जाति के हो, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, चाहे वो ऊंच हो या नीच हो, सभी को साथ रख के ले जाने की जो मंशा व्यक्त की थी, और इस बजट में जो प्रतिबिंब पड़ता है वो इसी दिशा में पड़ता है, ये सभी वर्गों के लोगों के लिए पड़ता है. सभापति जी, मैं अहमदाबाद वेस्ट संसदीय क्षेत्र से आता हूं, और ये क्षेत्र एक शहरी क्षेत्र है. इस बजट में हमारे क्षेत्र के लिए मेट्रो रेल का जो प्रावधान किया है, अहमदाबाद और लखनऊ के लिए मेट्रो रेल का प्रावधान किया है, मैं वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. और जो एक जो देश को मेट्रो रेल के लिए और ले जाने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है. अध्यक्ष महोदय, वर्तमान मूलभूत नगर पालिका ऋण देवता सुविधा निधि प्रस्थापित करके 5,000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ का प्रावधान करने के लिए मेरी सरकार को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ. अगले 10 सालों में करीबन 500 से ज्यादा नए शहर बसाने का जो संकल्प किया है, इसके लिए मैं भी सरकार का अभिनंदन करता हूँ. और 100 नए स्मार्ट सिटी बनाने का जो संकल्प किया है, इस संकल्प के लिए मैं सरकार का अभिनंदन करता हूँ. मित्रों, जब नरेंद्र भाई मोदी ने अपना पहला भाषण ये लोकतंत्र के मंदिर में दिया था, तो उन्होंने बताया था, उन्होंने रोड मैप दिया था
कि हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी हम गरीबों के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे, हम दलितों के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे, हम वनवासियों के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे, हम ओबीसी के प्रति हमारा दायित्व रहेगा। और जहां तक सामाजिक न्याय की बात है, अनुसूचित जाति योजना के अंतर्गत मेरी सरकार ने 50,548 करोड़ रुपए का जो आवंटन किया है, इसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं खुद ही इसके लिए गौरव महसूस करता हूं। मेरी सरकार से और वित्त मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है कि इस योजना के साथ बाबा साहेब अम्बेडकर की नाम उनके साथ जुड़ा जाए। तो मैं समझता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय के लिए, शोषितों के लिए, सभी गरीबों के लिए जो कार्य किया था, उसका एक बहुत बड़ी अंजलि होगी। हमारे कांग्रेस के मित्र अभी बोल रहे थे कि वनवासियों के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए इस बजट में कुछ नहीं प्रावधान किया गया है। मैं उनको बताता हूं कि वनबंधु कल्याण योजना की शुरुआत हुई है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी सरकार वनवासियों को उनके वन के हकों को लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी। हाशिए पे रहे निर्धनों के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के पूर्ण संरक्षण के लिए हमारी सरकार ने सब्सिडी व्यवस्था को ज्यादा लक्षित बनाने का जो संकल्प किया है, इसका भी मैं स्वागत करता हूँ। मैं पेशे से सर्जन हूँ, डॉक्टर हूँ और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में सबके लिए स्वास्थ्य का जो गोल लक्ष्य किया गया है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करता हूँ। निःशुल्क सेवा, दवा, निदान के लिए मैं सरकार को धन्यवाद करता हूँ। सभी राज्यों में एम्स जैसे इंस्टीट्यूट का प्रावधान करने के लिए वित्त मंत्री जी ने जो संकल्प किया है, मैं समझता हूँ कि पूरे देश के सभी राज्यों में एम्स जैसी टर्शियरी केयर हॉस्पिटलों और टीचिंग इंस्टीट्यूट का उसमें होने वाला है। जहां तक कुपोषण का सवाल है, नरेंद्र भाई मोदी जी ने कुपोषण के लिए गुजरात में एक मुहिम उठाई थी, उनको एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया था। इस बजट में भी इसको मिशन के रूप में जब स्वीकारा गया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। 12 सरकारी कॉलेज का जो संकल्प किया है, मेरी मांग है कि गुजरात में भी एक सरकारी कॉलेज को उसमें दिया जाए। मैं जहाँ तक वरिष्ठ नागरिक और का सवाल है, उनके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। मेरी मांग है कि थैलेसेमिया के विषय में, थैलेसेमिया इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज और गुजरात का थैलेसेमिया मॉडल जो है, इसमें इट इज ए प्रिवेंटेबल मॉडल। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि गुजरात के थैलेसेमिया का मॉडल को अपनाया जाए। दो मिनट सभापति जी, टेक्सटाइल बंद मिल जो मैं अहमदाबाद से आता हूँ और एक जमाने में अहमदाबाद वॉज नोन एज ए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, और उनके कारीगर जो बंद होने से अनएम्प्लॉयड हुए हैं, उन कारीगरों को बसाने के लिए उनको उनके लिए अदा करता हूँ कि आपने मुझे आम बजट